नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और स्वागत करता हूं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएटी यानी कि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के आवेदन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, अंतिम जो तिथि है वो कब रहने वाली है, और साथ ही हम हमारे संस्थान के नए बैच के बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो काफी अच्छी और इम्पोर्टेंट रहने वाली है, वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो व्यापम है पीबी के नाम से जिसको हम जानते हैं, यहाँ पर अलग अलग इम्पोर्टेंट तारीख के बारे में हम जानेंगे जो कि हाल ही में उसने रिलीज की है। तो अगर पीएटी की बात करें, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, जिसके बारे में हम सब लोग जानते ही हैं, जो अलग अलग मध्य प्रदेश के विद्यालय हैं, दो कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनमें बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी वानिकी यानी कि एग्रीकल्चर के ही अलाइड कोर्सेज में वहां पर एडमिशन मिलता है इस परीक्षा के माध्यम से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 12/10/2021 से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, यानी कि जो भी विद्यार्थी 12वीं पास कर चुके हैं वो इनके लिए आवेदन कर पाएंगे, चाहे वो गणित के विषय से हो, 12th मैथ्स हो, 12th बायोलॉजी हो या फिर 12th एग्रीकल्चर हो। यानी कि 12वीं किसी की कृषि विषय से है, गणित के विषय से है या बायोलॉजी के विषय से है, तो सभी विषय के छात्र इस आवेदन के लिए योग्य हैं, कर सकते हैं आवेदन, ठीक है। तो लास्ट डेट की बात करेंगे तो 26/10/2021 यानी कि 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक आप पीएटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आगे इसके हम अलग अलग ग्रुप के बारे में भी जानेंगे। टोटल 15 दिन यहां पर आपको इसके लिए समय मिल रहा है। और बात करें, अगर संशोधन की बात करें कि गलती किसी फॉर्म में इंफॉर्मेशन को भरते टाइम आपकी कोई गलती हो गई है, कोई जानकारी को आप गलत दे दिए हैं, तो उसके लिए जो है 12/10/2021 से ही 31/10/2021 तक को आपको संशोधन करने का समय मिलेगा। गलती से किसी ने अपनी जन्म दिनांक गलत डाल दी है, पिताजी का या माताजी के नाम में कोई गड़बड़ी कर दी है, तो संशोधन करवा पाएंगे। 20 दिन का ये समय रहेगा। मैं तो आप सब लोगों से यही उम्मीद रखूंगा कि आप बहुत अच्छे से सारी चीजों को जान के उसके बाद ही आप आवेदन करें, ठीक है। तो अगर मैं एग्जाम के डेट की बात करूं, तो एग्जाम डेट में दो शिफ्ट में आपका एग्जाम रहेगा, एक सुबह की शिफ्ट में रहेगा और एक शाम या दोपहर के बाद की शिफ्ट में रहेगा। एग्जाम तारीख सभी को पता है, 5, 6 और 7 तारीख यानी 5 से 7 दिसंबर 2021 को आपकी परीक्षा होगी, जिसको हम कृषि प्रवेश परीक्षा या फिर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के नाम से जानते हैं। दिन की बात करें तो रविवार, सोमवार और मंगलवार को ये 3 दिन आपका अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम रहेंगे और समय सीमा 3 घंटे की है। अगर हम इसके लिए और आगे जानकारी जाने तो सुबह जो है 9 से 12 की शिफ्ट का एक परीक्षा रहेगी, यानी कि एक शिफ्ट आपकी 9 बजे से 12 बजे के बीच में एक परीक्षा आपकी हो जाएगी पहली शिफ्ट में। फिर दोपहर 2 से 5 के बीच में आपका एक सेकंड शिफ्ट का पेपर हो जाएगा, यानी कि पेपर एक सुबह की शिफ्ट है, एक शाम की शिफ्ट है। जिस प्रकार से विद्यार्थी आवेदन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको बांटा जाएगा शिफ्ट के अकॉर्डिंग। अधिकतम अंक 200 है, सभी लोगों को पता है। आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं कि जो भी कृषि छात्र हो, चाहे वो 12th एग्रीकल्चर हो, चाहे 12th बायोलॉजी हो, चाहे वो 12th मैथ्स हो, अगर वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमारे संस्थान से आप जुड़ सकते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में कोर्स प्रोवाइड करा रहा है। और सारी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए स्क्रीन के कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और सारी इंफॉर्मेशन अगर हम यहाँ पर जाने तो पीएटी के बारे में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, अलग अलग ग्रुप से यहाँ पर स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई को मैथ्स ग्रुप से ही जाना है, पीसीएम जिसको हम बोलते हैं, पीसीएम से ही किसी को जाना है तो 50 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के रहेंगे, केमिस्ट्री के 50 रहेंगे और मैथ्स के यहाँ पर 100 रहेंगे। इसके लिए जो योग्यता की बात करें, जिनके पास 12th मैथ है वो यहाँ पर इस ग्रुप से पेपर दे पाएंगे। एक ही प्रश्न पत्र रहेगा, 200 क्वेश्चन का यहाँ पर जो है प्रश्न पत्र या कुलांक रहेगा। इससे आप बीटेक इन एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, पाठ्यक्रम में बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री के अलग अलग पाठ्यक्रम में आप आवेदन कर पाएंगे और उसमें आप पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। फिर साइंस की ही बात करें तो पीसीबी एक ग्रुप होता है, यानी कि बायोलॉजी स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट है, अगर वो एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं तो फिजिक्स के उनको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, साथ ही केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन यहाँ पर वो दे सकते हैं सब्जेक्ट ग्रुप से। सेम यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में भी आवेदन कर सकते हैं, वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें मेन स्ट्रीम की, जो कि अधिकतर स्टूडेंट इसी ग्रुप से यहाँ पर आवेदन करते हैं, यानी कि इसी ग्रुप से ज्यादा एग्रीकल्चर में जाने के लिए पीएटी में इसी ग्रुप से लोग आवेदन करते हैं। यहाँ पर क्या है,
AG1 की बात करूं, इसको हम PCMB के नाम से जानते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद AG2 प्लस AG3 यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन प्लस एनिमल हस्बेंड्री के यहाँ पर 50-50 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 100 हो जाते हैं। टोटल यहाँ पर 200 क्वेश्चन हो गए और 200 नंबर का ये पेपर होता है। अधिकतर विद्यार्थी इसी ग्रुप से PAT का एग्जाम देते हैं। तो हम अलग अलग जितने भी विषयों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, चाहे हम PCA की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, यानी 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के और 100 एग्रीकल्चर के, तो इस ग्रुप से भी कोई आवेदन कर सकता है छात्र। इसकी भी हम तैयारी कराते हैं, साथ में BCA से भी हम तैयारी कराते हैं। 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के रहेंगे, 50 केमिस्ट्री के और 100 एग्रीकल्चर के, तो इस ग्रुप से भी हम तैयारी कराते हैं। कोई भी छात्र जो 12वीं गणित, बायो या फिर कृषि से है, अगर वो PAT में या एग्रीकल्चर के माध्यम से अपना भविष्य निर्धारित करना चाहता है, तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करके हमारे संस्थान से आप जुड़ सकते हैं। नवीन बैच की अगर हम बात करें, तो नया बैच PAT का जो क्रैश कोर्स, चूंकि अभी 2 महीने का समय है, तो छात्रों के पास 2 महीने काफी अच्छा समय है, तो हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स का। वर्तमान में हमारे बैचेस चल रहे हैं PAT के लिए। 4 अक्टूबर से हम नवीन बैच प्रारंभ कर रहे हैं क्रैश कोर्स का। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में ये सुविधा रहेगी। और सारी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।